हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए टेंसेस पे वीडियो लाई हूँ। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो टेंसेस में बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता कहाँ पे क्या टेंस लगेगा। इसलिए मैं आपके लिए आज टेंसेस के टाइप्स लाई हूँ, जिसमें मैं सबसे पहले सिर्फ सिंपल टेंस के बारे में स्टार्ट करूँ। पहले टेंसेस में ये देखिए, पहले होता है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट मतलब जो हो चुका है, प्रेजेंट जो चल रहा है और फ्यूचर जो आने वाला है। ऐसे टेंसेस इसके बाद थ्री पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। बट हम इसका सिर्फ एक ही टॉपिक लेंगे, दैट इज सिंपल टेंस। सिंपल टेंस में बहुत आसान है, आपको इसमें हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। उससे पहले सिंपल टेंस लेने पर सबसे पहले आएगा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस जो अभी चल रहा है, ठीक है, वर्क इज गोइंग वाला, ठीक है। अब इसमें क्या है, सेंटेंस को हम तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव और एक होता है इंट्रोगेटिव। तो पॉजिटिव में क्या होता है, आपका पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर जो वर्ब यूज़ होता है दैट इज एम आर, फिर प्रेडिकेट। या सब फॉर प्लूरल फॉर्म के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव सेंस के लिए सब्जेक्ट इज एम आर आपका वर्ब हो गया प्लस नॉट और प्रेडिकेट। और प्लूरल फॉर्म के लिए सब्जेक्ट डज नॉट, डू नॉट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए एम इज आर, पहले वर्ब आ जाएगा, फिर उसका सब्जेक्ट आएगा, फिर प्रेडिकेट आएगा। और जो प्लूरल फॉर्म है उसमें आएगा डू, डस, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब नीचे वाला सेंटेंस देख सकते हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब द सन क्या है, आपका सब्जेक्ट, और वर्ब क्या है, राइजेज, और इन द ईस्ट क्या है, आपका ऑब्जेक्ट हो गया, प्रेडिकेट हो गया। ऐसे नेक्स्ट सेंटेंस में देखेंगे, आई प्ले बैडमिंटन एवरी ट्यूजडे। आई आपका सब्जेक्ट, प्ले आपका वर्ब और बैडमिंटन एवरी ट्यूजडे आपका ऑब्जेक्ट हो गया। आर ट्रेन लीव्स एट 9 AM। आर ट्रेन आपका सब्जेक्ट है, लीव्स आपका वर्ब है और एट 9 AM इज आपका ऑब्जेक्ट। ही वर्क्स इन अ बैंक, ही सब्जेक्ट, वर्क्स प्रेडिकेट, इन अ बैंक आपका ऑब्जेक्ट। तो ऐसे ही आप सेंटेंसेस पढ़िए, आपको सिंपल प्रेजेंट के बारे में समझ में आएगा, ठीक है। अब सिंपल प्रेजेंट के बाद आता है हमारा सिंपल पास्ट। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में कोई डिफरेंस नहीं है इनके वर्ब फॉर्म में फिट करने के लिए, बट इनके बस टेंसेस चेंज हो जाते हैं। पास्ट मतलब इसमें ईडी लग जाता है, था आ जाता है, और प्रेजेंट में है हो जाता है। तो पास्ट में क्या है, सब्जेक्ट वॉज वर, यह आपका पॉजिटिव सेंस के लिए कि सब्जेक्ट वॉज वर्ब, और प्लूरल फॉर्म के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और वर्ब के साथ ईडी। तो जो सिंगुलर फॉर्म है उसके लिए दे वर फ्रेंड्स, और प्लूरल दे वर्कड यस्टरडे, शी वर्कड यस्टरडे। ऐसे नेगेटिव सेंस के लिए सब्जेक्ट वॉज नॉट, वर नॉट, वॉट, और वर्ब के लिए फिर यह सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब बेस फॉर्म, जैसे दे वर नॉट फ्रेंड्स, शी डिड नॉट वर्क yesterday। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए was, were के साथ सब्जेक्ट, फिर उसके आगे उसका बेस फॉर्म आ जाएगा। और यहाँ पे did, सब्जेक्ट, वर्ब इन द बेस फॉर्म, जैसे दे वर नॉट फ्रेंड्स, ठीक है, दे weren't फ्रेंड्स। अब यहाँ आ जाएगा शी डिड वर्क yesterday, डिड शी वर्क yesterday, क्या उसने काम करा था। अब ऐसे ही नीचे एग्जाम्पल्स हैं आपके लिए, आई सॉ अ गोस्ट लास्ट फ्राइडे। आई आपका सब्जेक्ट, सॉ आपका वर्ब, अ गोस्ट लास्ट फ्राइडे आपका बेस फॉर्म आ गया, आपका ऑब्जेक्ट आ गया। ऐसे ही और सेंटेंसेस हैं, इसको आप रीड करिए, ठीक है। अब ये हो गया आपका पास्ट, आपको आई होप आपको प्रेजेंट और पास्ट समझ में आ गया। अब फ्यूचर के लिए, फ्यूचर मतलब जो चीज़ आने वाली है, जो होने वाली है, ठीक है। इसके लिए क्या है, पॉजिटिव सेंस के लिए सब्जेक्ट, विल, शैल और वर्ब का बेस फॉर्म, जैसे आई विल गो टू थाईलैंड। आई सब्जेक्ट हो गया, विल आपका वर्ब फॉर्म लग गया, और वर्ब फॉर्म लगाए हेल्पिंग वर्ब, और गो आपका वर्ब लगाए, और उसके आगे थाईलैंड जो उसका ऑब्जेक्ट है। ऐसे सब्जेक्ट प्लस विल, नॉट, वॉन्ट, या आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका ऑब्जेक्ट, जैसे आई विल गो, I will not go to Thailand. I will not आपका हेल्पिंग वर्ब, और go आपका वर्ब हो गया।
इंट्रोगेटिव के लिए विल सब्जेक्ट और वर्ब फॉर्म, विल यू गो टू थाईलैंड, विल आपका हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट यू, फिर वर्ब आ गया गो। नेक्स्ट देखते हैं, आई हैव अ टूथएक, आई विल टेक सम मेडिसिन, इसमें आई सब्जेक्ट आ गया, विल आपका हेल्पिंग वर्ब और टेक आपका वर्ब आ गया। विंटर विल कम सून, विंटर आपका सब्जेक्ट, विल आपका हेल्पिंग वर्ब और कम आपका वर्ब हो गया। ये ना टेंसेस तब आते हैं आप सबको जब आप इसकी रीडिंग करें बाय हार्ट, इसलिए मैंने कुछ सेंटेंसेस आपके लिए यहाँ दिए हैं, 30 सेंटेंसेस जिसमें सिंपल प्रेजेंट भी है, सिंपल पास्ट भी है और सिंपल फ्यूचर भी है। आप वीडियो को पॉज करके इसे रीड करिए केयरफुली, इसको 3-4 बारी रीड करेंगे और खुद सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़रूर सिंपल टेंस क्लियर हो जाएगा। जब आपको ये क्लियर हो जाएगा, आई विश कि आप सिंपल टेंस में कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे। अगर आपको मेरी ये सिंपल टेंस की वीडियो बहुत अच्छी लगी हो और तो इसको चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट्स मेरे को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतने लोगों को एटलीस्ट सिंपल टेंस के बारे में क्लैरिफाई हो जाएगा। ऐसी मैं आपके लिए बाकी थ्री टाइप्स के टेंसेस के बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू, आई होप कि आपको ये टेंसेस बिल्कुल क्लियर हो गए हैं और इस पर प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।